प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धर्मशाला में विभिन्न स्थानों का दौरा करके दिन बिताया। राज्यपाल ने सर्वप्रथम तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मैक्लोडगंज में मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मशाला स्टेडियम बेहद खूबसूरत है और ये स्टेडियम पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धर्मशाला में विभिन्न स्थानों का दौरा करके अपना दिन बिताया। राज्यपाल ने सर्वप्रथम तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मैक्लोडगंज में मुलाकात की। वहीं शिमला के बाद धर्मशाला में बल्ला घुमाया। एचपीसी स्टेडियम में एडीजीपी 11 और आईजी 11 की टीमों के मध्य खेले गए मैच में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बल्ले पर हाथ अजमाया। पत्रकारों से बातचीत प्रदेश के इस राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मशाला स्टेडियम बेहद खूबसूरत है और इस स्टेडियम पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। स्टेडियम प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का स्टेडियम निर्माण में खासा योगदान रहा है तथा वो स्टेडियम सहित क्रिकेट में भी रुचि रखते हैं और उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का भी आशीर्वाद लिया है। राज्यपाल ने कहा कि दलाई लामा की भारत और भारत की जनता के बारे में कमिटमेंट सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का मानना है कि भारत में शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन व मूल्यों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि दलाई लामा ने धर्मशाला कॉलेज में धार्मिकता पर ज्यादा ध्यान देने और शिक्षा में साइंटिफिक टेम्पर लाने की बात कही है, जिसे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। इसी के साथ राज्यपाल ने तिब्बत निर्वासित संसद के मंत्रियों सांसदों से भी मुलाकात की। ये धर्मशाला स्टेडियम जो है, ये बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है और ये जो है अपने अंतर्जातीय स्तर पर इंटरनेशनली इसका जो है रिकॉग्निशन काफ़ी मिल रही है और ये टूरिस्टों के लिए भी बहुत ही जो है आकर्षणीय है। एक धर्मशाला होने से और ये हिमालयस के बीच में रहने से बहुत ही खूबसूरत है और सुंदर है और उतना ही नहीं है, ये नेचुरल ब्यूटी भी है। इसके लिए हमारे अभी जो MOS फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी है, उनका योगदान इसमें बहुत है और उनका रुचि भी बहुत है, मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। वैसे ही मैं आज जो है विशेष करके धर्मशाला में पूजनीय दलाई लामा जी से मैं आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया। मुझे बहुत जो है प्रसन्नता हुई है, उनकी जो भारत के बारे में, भारत के जो सिविलाइजेशन के बारे में उनकी जो कमिटमेंट है बहुत ही जो है सराहनीय है। उनका मानना है कि भारत के एजुकेशन में भी, भारत का जो सांस्कृतिक जीवन का और मूल्यों का इसमें जो है ज़्यादा जोर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी मुझे कहा कि धर्मशाला का जो कॉलेज है वो कॉलेज में भी ये स्पिरिचुअल का जो विषय है उसको ज़्यादा ध्यान देना, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ एजुकेशन में साइंटिफिक टेंपर भी लाने के लिए उन्होंने जो सूचना दी है, ये विषयों को मैं जो है हमारे मानव विकास मंत्री जो है उनके ध्यान में मैं लाऊंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।